शर्म, गुस्सा और एक तरह की लाचारी। दो बच्चे, 12 साल और 15 साल, अविनाश और रोशनी, को पीट पीट के मारा जाता है हमारे देश में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। क्यों? क्योंकि खुले में शौच करने का अपराध कर रहे थे। क्या किसी ने ये पूछा कि उनके घर में शौचालय क्यों नहीं है, कि स्वच्छ भारत अभियान उनके पास पहुंचा क्यों नहीं? ये सवाल कोई नहीं कर रहा है। राजनीतिक उत्तेजना नहीं है इसको लेकर, और सामाजिक स्तर पे भी कोई गुस्सा नहीं है। हम किस तरह के देश बन गए हैं, किस तरह का समाज बन गए हैं कि दो बच्चे की इस तरह मौत हो सकती है क्रूरता से? ये जातिवाद का एक बहुत भयानक चेहरा सामने आ गया है। मारने वाले जो यादव जात के थे, वो ये कहते हैं कि भगवान का आदेश है कि हम ये राक्षसों को खत्म करें। हम क्या 21वीं सदी में रह रहे हैं? हमारा गुस्सा कहाँ गया? किस तरह हमारा गुस्सा होता है जब लाचार बेबस बच्चे को इस तरह मारा जाता है, क्योंकि वो वाल्मीकि परिवार से, वाल्मीकि पाड़ा में रहते हैं। आज भी हमें हिम्मत नहीं है कि हुकूमत से हम सवाल करें कि क्यों आपके स्वच्छता अभियान ये परिवारों तक नहीं पहुंचा, क्यों हुकूमत में आज गुस्सा नहीं दिखाया? सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार कॉम्पेंसेशन दे के चुप रह जाएगी? जातिवाद खत्म करने के कोई कदम नहीं उठाएंगी और आप और हम सिर्फ चुप रह जाएंगे? ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना बीती है परसों हमारे देश में, और जब तक हम ये घटनाओं को लेकर सड़क पे नहीं उतरेंगे, हम 21वीं फीसदी में रहते हैं ये अपने आप को नहीं कह पाएंगे। शर्मनाक घटना हुई है हमारे देश में दो बच्चों के साथ, और ये अकेली घटना नहीं है। गए नवंबर में 12 साल की लड़की को सालेम जिले में, तमिलनाडु में, उसका कत्लेआम किया गया क्योंकि वो दलित थी। हर आए दिन, हर दूसरे दिन दलित बच्चों के साथ, महिला के साथ, आदमियों के साथ इस तरह की हिंसा होती है, और आप और हम चुप्पी लेके बैठ जाते हैं। हमारा देश महान नहीं हो सकता, हमारी संस्कृति महान नहीं हो सकती जब तक इस तरह की घृणा हमारे बीच में से हम निकाल नहीं सके, इस तरह की नाइंसाफी हम ख़त्म नहीं कर सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें सोशल डेमोक्रेसी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होना है। हमारे देश में 1989 में एक कानून बना था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। कानून बनने के बाद भी ये हिंसा नहीं रुकी। जैसे ही हमारे दलित भाई बहन अपने हक मांगने लगे, हिंसा बढ़ती गई। फिर 2015 में ये कानून में अमेंडमेंट लाया गया। आज भी पुलिस कहेगी, आज भी हुकूमत कहेगी, आज भी कोर्ट में ये कहा जाएगा कि जी हिंसा हुई है मगर ये कानून का वायलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे पुलिस ऑफिसर और ऐसे जज बैठे हुए हैं जो जातिवाद को एक हकीकत नहीं मानते। हमारे देश की महानता उसी दिन प्राप्त होगी या महसूस होगी जब ये बीच, हमारे बीच के अंदर की ये अंदरूनी नाइंसाफी, जो धर्म, जिसको धर्म एक तरह से जस्टिफिकेशन देता है जातिवाद का, इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है जो अपने ही लोगों को अनटचेबल मानता है, छूने के लायक नहीं, जिसके शेडोज को भी हम अपने आप पे नहीं आने देते। कि हम कभी ये सवाल करते हैं कि हमारे सड़कों, हमारे संडास, हमारे शौचालय कौन साफ करता है? मैनुअल स्कैवेंजर्स को लेकर इतना बड़ा अभियान चलता है हमारे देश में, मगर आप और हम इसके बीच में भीतर नहीं होते, क्योंकि हमारे बीच में ये क्रूरता है कि हम दूसरे से हमारी गंदगी को साफ करने का काम करवाते हैं, खुद नहीं करते। ये शर्मनाक बात है।